हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कारवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर अपना सिस्टम चल रहा था सीवीएस। ठीक है डियर, कौन सा सिस्टम चल रहा था? सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था कि कैसे इसका कंडक्टिंग सिस्टम होता है, हार्ट के अंदर कैसे कंडक्टिंग सिस्टम काम करता है एंड नर्व सप्लाई वगैरह सब वो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। आज क्लासेस के अंदर है ब्लड प्रेशर। क्या है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब इज दैट हार्ट ठीक है, एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, तो क्या होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से निकलता है एक एरोटा, क्या निकलता है? एरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एरोटा, जो जनरल सर्कुलेशन करवाता है। ठीक है, एरोटा से जब हार्ट कॉन्ट्रेक्शन होता है, क्या करता है हार्ट? क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रेक्ट करके पुश थ्रू ब्लड को पुश करता है किसके अंदर? एरोटा के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? एरोटा के अंदर। जब पुश करता है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर ब्लड को पुश करता है, और जब वो प्रेशर लगाया जाता है, जब वो प्रेशर है जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसे क्या करता है कि प्रेशर, द ब्लड प्रेशर, फोर्स ऑफ प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स पे लगाया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। कि ब्लड वेसल्स होती है उसपे जो प्रेशर लगता है, जो प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है, वो एक प्रकार का फोर्स क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एरोटा के ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड पुश थ्रू करता है किसके अंदर? एरोटा के अंदर, जनरल सर्कुलेशन के अंदर। तब जो प्रेशर, जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, और उस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक बीपी। उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी होती है नॉर्मल 120 mmHg। ठीक है, क्या होती है? सिस्टोलिक बीपी। उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक बीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एक बार फोर्स लगाया, प्रेशर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो उसमें जो पहली जो कॉन्ट्रेक्शन हुआ हार्ट, और जो प्रेशर लगा उसमें जो बढ़ा है, उसको क्या कहेंगे? सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, और उसके बाद में जब प्रोड्यूस होने के बाद में जब वापस इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा के बाद में जब एक बार जिस अमाउंट के साथ में जो ब्लड है जो फ्लो होता है बॉडी के अंदर, और वापस जब सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा उस ब्लड को लेके आती है, और जो प्रेशर लगे आर्टरी जो प्रेशर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक बीपी। उसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक बीपी कितनी है? 80 mmHg। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी कितनी होती है? नॉर्मल बीपी हो गया 120/80 mmHg। ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना हो गया? 120/80 mmHg। ठीक है, इसके बाद में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे इसका ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है? दो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, दो प्रकार की कंडीशन यहां पे आती है देखने को मिलती है। फर्स्ट वन कंडीशन को देखने को मिलती है अपने हाइपर टेंशन। क्या देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन। और दूसरा मिलता है आपको देखने को हाइपोटेंशन। दूसरा क्या मिलता है आपको? हाइपोटेंशन। ठीक है डियर, इज दैट क्लियर? ये तो ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी है, कहीं भी हो सकता है। हाइपो का मींस और हाइपर मींस, ठीक है। हाइपो का मींस क्या होता है? हमेशा कम, और हाइपर का मींस क्या होता है? हमेशा ज्यादा। ठीक है, एक ट्रिक से इसको याद रखिएगा कि हाइपो का मींस क्या होता है और हाइपर का मींस क्या होता है। ठीक है डियर, क्या रखना है? एक ट्रिक से याद रखा है कि हाइपर का मींस क्या होता है, हाइपो का मींस क्या होता है। इज दैट क्लियर? तो हाइपरटेंशन मींस की इंक्रीज बीपी, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। क्या हो गया है? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है डियर, क्या हो रहा है? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंड हाइपोटेंशन के अंदर क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या हो रहा है? डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। इज दैट क्लियर? हाइपोटेंशन में इंक्रीज द बीपी ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये दो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी। हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स है जो ये कोज होता है। इसके अंदर देखते हैं कि एनाटॉमिकली कैसे ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन को मेंटेन करता है।
ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जब कंप्लीट कार्डियक प्रेशर हो जाता है ठीक है विद इन द आर्टरीज सिस्टम, उसे डिफरेंट क्या होता है, जब सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी ठीक है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का जो डिफरेंट होता है क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का जो डिफरेंट होता है उसे क्या क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के जो बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, पल्स प्रेशर, इन दोनों के बीच का डिफरेंट ठीक है डियर, इन दोनों के बीच के डिफरेंट को क्या, तो सिस्टोलिक बीपी कितनी है 120, डायस्टोलिक बीपी कितनी है 80, तो कितना हो गया, पल्स प्रेशर कितना आएगा 40 mm of Hg, कितना आएगा 40 mm of Hg ठीक है, जो 40 mm of Hg उसे क्या बोलोगे आप, इज दैट पल्स प्रेशर ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद में है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का, ये तो या तो बीपी बढ़ेगी या फिर बीपी घटेगी ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर इज इट क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, ब्लड कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ठीक है, फर्स्ट वन क्या है शॉर्ट टर्म और यह है लॉन्ग टर्म ठीक है, यह है लॉन्ग टर्म कि ब्लड प्रेशर क्या होगा कि कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर जो बीपी बढ़ रही है, बीपी हाई हो रही है, हाइपरटेंशन बीपी कम हो रहा है, हाइपोटेंशन जो ये ब्लड प्रेशर है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल होता है ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट वन होता है बोरो रिसेप्टर ठीक है, क्या होता है बोरो रिसेप्टर, सेकेंड वन होता है कीमो रिसेप्टर ठीक है, एंड थर्ड वन होता है हायर सेंटर ऑफ ब्रेन ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एडीएस एंटी डायरेटिक हार्मोन, एएनपी हार्मोन सिस्टम्स ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म्स के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा, बोरो रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर और हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन मींस हाइपोथैलेमस ठीक है, तो इनका ये है कि इनके थ्रू क्या होता है कंट्रोल होती है ब्लड प्रेशर अपना ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर बोरो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर और हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन मींस हाइपोथैलेमस, लॉन्ग टर्म्स के अंदर रास सिस्टम एडीएस एंटी डायरेटिक हार्मोन रास सिस्टम एंड एएनपी ठीक है, एएनपी इसके अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन एलडी स्टोरेज सिस्टम होता रास सिस्टम ठीक है, तो पढ़ते हैं 1 by 1 फर्स्ट वन पढ़ते हैं अपने बोरो रिसेप्टर्स, क्या पढ़ते हैं बोरो रिसेप्टर कि बोरो रिसेप्टर क्या होता है ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हमेशा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बोरो रिसेप्टर ठीक है, बोरो रिसेप्टर क्या होता है, नर्व एंडिंग सेंसिटिव प्रेशर चेंज इन द वेसल सिचुएटेड होती है कहां पे, अराउंड द कैरोटिड आर्टरी के ठीक है, बोरो रिसेप्टर में क्या होता है जब इंक्रीज होगी, माना कि इंक्रीज होगी क्या हो गया इंक्रीज बीपी ठीक है, क्या हो गया इंक्रीज बीपी हो गया ठीक है, तब क्या इंक्रीज बीपी हो गया, बोरो रिसेप्टर क्या होगा सेंसिटिव हो जाएगा, क्या होगा बोरो रिसेप्टर क्या हो जाएगा सेंसिटिव ठीक है, इंक्रीज बीपी हुई बोरो रिसेप्टर क्या हो गया सेंसिटिव हो गया ठीक है, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है बोरो रिसेप्टर एक प्रकार सिस्टम होता है ठीक है, एक्टिव हो गया, इसके बाद में क्या होगा इंक्रीज एक्टिविटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा किसको एक्टिविटी को, इंक्रीज द एक्टिविटी ठीक है, इंक्रीज करेगा एक्टिविटी को एंड क्या हो जाएगा इंक्रीज एक्टिविटी के बाद में क्या करेगा इंक्रीज पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या करेगा इंक्रीज करेगा पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या करेगा इंक्रीज द पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन
ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज पैरासिस्टम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, वैसो डायलेशन करेगा, क्या करेगा, वैसो डायलेशन, ठीक है, वैसो डायलेशन करेगा और क्या करेगा, डिक्रीज द बीपी, ठीक है। फर्स्ट वन क्या करेगा, इंक्रीज बीपी, माना कि इंक्रीज बीपी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो क्या होगा, बोरो रिसेप्टर होगा, सेंसिटिव हो जाएगा और क्या करेगा, एक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करेगा, एक्टिविटी के बाद में इंक्रीज हो जाएगा पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या हो जाएगा, पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और इसके बाद में जो ये इंक्रीज करेगा पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये क्या करेगा, वैसो डायलेशन कर देगा, वेसल्स का क्या कर देगा, डायलेशन कर देगा और डिक्रीज कर देगा बीपी को। वेसल्स दो, जैसे कि ये वेसल्स है, ठीक है, डायलेशन मींस क्या हो जाएगा, इसका लेमिनर बढ़ा देगा, डायलेशन मींस की क्या हो जाएगी, छोड़ी हो जाएगा, और कॉन्ट्रेक्शन मींस क्या हो जाएगा, पास पास में सिकुड़ जाएगी, ये इतनी वेसल्स है और को क्या हो जाएगी, यदि डिक्रीज बीपी हुई है तो बीपी बढ़ाने के लिए क्या कर देगा, वैसो डायलेशन कर देगा, ठीक है, इज दैट क्लियर, ऐसे कर देगा बोरो रिसेप्टर। यदि इसका उल्टा है कि यदि बीपी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, क्या हो गया, यदि बीपी डिक्रीज हो गया है तो बोरो रिसेप्टर कैसे काम करेगा, डिक्रीज द बीपी, वापस वही बोरो रिसेप्टर सेंसिटिव हो जाएगा, बोरो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, सेंसिटिव, एक्टिविटी क्या कर देगा, एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, एक्टिविटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, एंड उसके बाद में क्या कर देगा, इंक्रीज होगी बीपी, माना कि इंक्रीज बीपी होगी तो क्या कर देगा, बोरो रिसेप्टर सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है, और एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा, और एक्टिविटी को डिक्रीज करने के बाद में क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने इंक्रीज करेगा पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, किसको करेगा, इंक्रीज करेगा पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इंक्रीज पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्या कर देगा, इंक्रीज कर दिया पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज, ठीक है, एंड देन उसके बाद में क्या करेगा, वैसो कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, क्या करेगा, वैसो को वैसल्स का क्या करवा देगा, कॉन्ट्रेक्शन, वैसो कॉन्ट्रेक्शन करवा देगा और बीपी क्या हो जाएगी, बीपी हो जाएगी इंक्रीज, बीपी क्या हो जाएगी, बीपी वापस ब्लड प्रेशर है जो वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह क्लियर, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, माना कि जैसे डिक्रीज होगी बीपी, बीपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर हो गया, कम हो गया, बॉडी के अंदर डिक्रीज होने लगा, बोरो रिसेप्टर सेंटर है तो क्या हो जाएगा, ये अपने सेंसिटिव हो जाएगा, एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा और पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को क्या बढ़ा देगा, ठीक है, और पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या कर देगा, वेसल को कॉन्ट्रेक्शन करवा देगा, वेसल्स का जो ब्लड वेसल उसका क्या करवाएगा, सिकुड़, उसको कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा और क्या हो जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर है जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यह था बोरो रिसेप्टर। इसके बाद में दूसरा है कीमो रिसेप्टर, कि कीमो रिसेप्टर कैसे काम करता है, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर कैसे काम करता है, ये भी एक प्रकार का, ये अपने बॉडी के अंदर पीएच, ओटू और एसिडिटी की सेंसेस होने की वजह से होता है, ठीक है। माना कि फर्स्ट वन कंडीशन क्या होता है, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज द हाइड्रोजन एच प्लस इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसके बाद में क्या हो गया, इंक्रीज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया अपने पार्सल CO2, क्या हो गया, पार्सली CO2 इंक्रीज हो गया, ठीक है, और इसके अंदर इसके बाद में क्या होगा कि डिक्रीज हो गया पार्सली O2 लेवल डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इनकी आगे से कंडीशन क्या बढ़ेगी, पीएच होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसके बाद में CBS एक्टिवेटेड होगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टोक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्टोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में क्या होगा, इसके आगे कंडीशन क्या बढ़ेगी, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगी और वैसो कॉन्ट्रेक्शन होगा और बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो गई, हो गई और वैसो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर है जो क्या हो जाएगा, बीपी है जो क्या वापस बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है, यदि बीपी इसमें डिक्रीज हो जाती है कीमो रिसेप्टर में भी, तो क्या होता है, बीपी इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो गई, तो वही इसमें पीएच और ओ2 और CO2 का मेन रोल होता है, ठीक है, सीबीएस कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, हार्ट रेट डिक्रीज होगी और वैसे कॉन्ट्रेक्शन कराएगा और बीपी को बढ़ा देगा, ठीक है। वैसे डिक्रीज यदि बीपी बढ़ गई है, ठीक है, तो वही आगे सेंसिटिव इसका स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या करेगा,
डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देगा, ठीक है, डिक्रीज हुई है बीपी और वो क्या कर देगा उसको बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बाद में हायर सेंटर ऑफ बॉडी, हायर सेंटर ऑफ बॉडी के अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में क्या है, जो हाइपोथैलेमस अपना जो होता है वो भी क्या करता है एक सिस्टम को क्या करता है, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर क्या है हाइपोथैलेमस, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर कौन है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म सिस्टम था, लॉन्ग टर्म के अंदर बीपी कैसे क्या होती है, लॉन्ग टर्म के अंदर तीन कंडीशन थी उसके अंदर, लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर फर्स्ट वन क्या था, रास सिस्टम, क्या था रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, सिस्टम, ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये भी अपने एक प्रकार का क्या करता है, ये अपने किडनी के अंदर उसको क्या करता है, उसको एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है वो क्या करता है रेनिन को बढ़ा देता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो वो बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, डायरेटिक्स क्या करता है, डायरेटिक्स का जो यूरिनरी उसको ब्लड प्रेशर जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करता है। इसके बाद में एएनपी, ठीक है, ये क्या होता है आर्टेरियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड, आर्टेरियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड एक हार्मोन होता है जो ये भी क्या करता है अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। तो बाहर से तो अपने क्या ब्लड प्रेशर डिक्रीज, यदि किसी की बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसको मेडिसिन के थ्रू वैसे ठीक करते हैं, बट अपने बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होता है, यदि बीपी बढ़ जाती किसी कारण की वजह से, किसी फियर की वजह से, कोई डर लग गया, सडनली बीपी बढ़ गई, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीपी एकदम कम हो गई, शॉक आ गया, बीपी कम हो गई, तो अपने बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होता है, जो अपने ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कोई डाउट हो तो बताइएगा, नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल से जुड़े रहिए।